में दिया है कि दो बॉक्स है, एक बॉक्स जो है वो 100 डिग्री पे मेंटेन रखा हुआ है और दूसरे में आइस रखा हुआ है, दूसरे में आइस, और दोनों को आइडेंटिकल रॉड, दो रॉड है पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं रॉड को। तो उस समय फर्स्ट में जब पैरेलल में रॉड है ना, तो Q1 ग्राम पर सेकेंड मेल्ट हो पा रहा है आइस। तो आइस एक सेकेंड में कितना ग्राम मेल्ट हो रहा है, Q1 ग्राम। तो एक सेकेंड में आइस को हीट कितना चाहिए, तो ml चाहिए होता है मेल्ट करने के लिए, तो Q1 ग्राम हुआ है, तो Q1 × L, यानी एक सेकेंड में इतना हीट चाहिए। एक सेकेंड में जितना हीट चाहिए होता है, L की जगह पर हम 80 भी लिख सकते हैं, 80 होता है। तो एक सेकेंड में जितना हीट आता है किसी के पास, जितना हीट एक सेकेंड में आता है, उसको हीट करेंट बोलते हैं, H, ठीक है, हीट करेंट ही हो गया, राइट। तो हीट करंट का वैल्यू होता क्या है, तो हीट करंट का एक वैल्यू हम ये भी जानते हैं कि सर, हीट करंट को आप लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और चूंकि ये दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में R और R मिला के R/2 हो जाता है। तो ये डेल्टा टी इंटू 2/R, इतना ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरे कंडीशन में बोला है कि अगर मैं सीरीज में इन दोनों को जोड़ दूँ, ये दो जो रजिस्टर दो रॉड है वो पैरेलल नहीं होकर सीरीज हो जाए, और वही आइस और 100 डिग्री के बीच कनेक्टेड हो, तो कितना ग्राम आइस मेल्ट होगा, 2R। तो करंट का वैल्यू क्या होगा इस बार, तो हीट करंट का वैल्यू होता है टेम्परेचर डिफरेंस, तो वही है लेकिन रेजिस्टेंस 2R हो जा रहा है, राइट। तो ये आ रहा है डेल्टा टी बाई आर डिवाइडेड बाई 2 है। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा टी बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, Q1L में 2 डिवाइड कर देंगे ले जाके, राइट। तो ये हो जाएगा, ये जो हीट करंट है दूसरे में, दूसरे का हीट करंट, वो हो जाएगा Q1L डिवाइडेड बाई 2, किसका वैल्यू, ये डेल्टा आर बाई आर का बस वैल्यू है, Q1L बाई 2, और इसमें एक और 1/2 यहाँ लगा हुआ है, तो कुल मिला के ये हो गया Q1L बाई 4, ठीक। यानी कि ये H2 क्या है कि रेट ऑफ हीट, मैंने पर सेकेंड कितना हीट सप्लाई जा रहा है एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में इतना हीट जा रहा है, तो इतने हीट से कितना मेल्ट होगा, कितना ग्राम मेल्ट होगा। तो मान लेते हैं कि M ग्राम या Q2 ग्राम मेल्ट हुआ, तो Q2 ग्राम एक सेकेंड में मेल्ट अगर हो रहा है और एक सेकेंड में हीट आ रहा है मेरे पास Q1L बाई 4, तो ये होना चाहिए Q1L बाई 4 के बराबर, राइट। ये Q2 ग्राम मेल्ट हो रहा है, तो इधर भी L मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये हीट में कन्वर्ट होगा, ये तो मास है, Q2 क्या माना है मैंने कि मास, इतना ग्राम मेल्ट हो रहा है, तो मास में लेटेंट हीट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट आ जाएगा कि इतना हीट चाहिए, तो L से L कट गया, तो Q2 का वैल्यू Q1 बाई 4 आया, तो Q1 बाई Q2 का रेशो क्या आया, ये 4 इधर आ जाएगा, टू बाई 1 अगर पूछा है तो Q2 बाई Q1 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो D ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो गया।